आप अच्छे ही होंगे और आज मैं आपके अपडेट लेके आया हूँ 8K Miles के बारे में। 8K Miles क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर में स्मॉल सेक्टर को प्रोवाइड कराती है और ये आप देखेंगे कि एक बार इसने जो स्पाइक बनाया था रिसेंटली, अभी एक बार 200 का स्पाइक अब बनाते हुए ये वापस नीचे की ओर जा रहा है और रिसेंटली इसने एक हाई बनाया और हाई बना करके ये 205 का हाई बनाया और वापस ये डाउन ट्रेंड में काम कर रहा है। तो ये देखेंगे तो ये क्या करती है, 8K Miles सॉफ्टवेयर सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म दैट ब्रांड्स ए ग्लोबल टैलेंट मार्केट प्लेस विथ कोलैबोरेशन टूल एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्पिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर टू इंटीग्रेट क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आइडेंटिटी सिक्योरिटी इनटू देयर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो जिनको बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको क्लाउड में काम करना पड़ता है करना रहता है अपने डाटा को वो सेव कराते हैं तो उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, मैंने ये फार्मास्यूटिकल्स में ज़्यादा काम करती है। अभी देखें तो इसका 530 करोड़ का मार्केट कैप है, हो सकता है कि इसके फॉल के बाद 524 करोड़ का दिखा रहा है और आप देखेंगे तो ये करंट प्राइस 173 का दिखा रहा है, अभी यहाँ पे करंट प्राइस 171 है तो थोड़ा अपडेट एक दो दिन का अपडेट नहीं है। हाई इसका 966 है और लो इसका 55 है। इसका निगेटिव में कि ये डिविडेंड नहीं दे रही है, इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट है, इसका निगेटिव यह बहुत बड़ा है। और ये जो सेल्स ग्रोथ ये दिखा रही है सब्सिडरी का ज़्यादा सेल्स ग्रोथ दिखाती है कंपेयर टू अपना, ये सब्सिडरी का सेल्स ग्रोथ है। और डेब्ट भी इसके पास 86 करोड़ है, डेब्ट उतना नहीं है जितना कि प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा खासा है डेब्ट के कंपेरिजन में, तो 0 डेब्ट मान लीजिए। कैश का बैलेंस इसके पास निगेटिव है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और पॉजिटिव में से भी एक है कि प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा है। तो आखिर में हुआ क्या था इस कंपनी को जो गिरा था, एक्चुअल में इसके इसका बैलेंस शीट डिले हुआ था और उसका ये एक कारण था कि ये इसकी जो कंपनी है इसके और भी सब्सिडरीज है, फंजन सॉल्यूशन इनकॉर्पोरेशन, 8K मीडिया हेल्थ, 8K Miles हेल्थ क्लाउड, 8K मीडिया सॉफ्टवेयर, ये सब करके इनके बहुत सारे सब्सिडरीज है। और उसमें आप देखेंगे तो उसका एक छोटा सा आपको समझ से बता देता हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो JHG इनके जो पुराने ऑडिटर थे, अभी तो डेलॉयट हैं, तो जो पुराने ऑडिटर थे इनके, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैलेंस शीट साइन करने से मना कर दिया क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छे खासे पैसे का मिसयूज करके उनके सील को, सिग्नेचर को मिसयूज करके इन्होंने 8K मीडिया सॉफ्टवेयर में पैसा ट्रांसफ़र किया था। तो इसके कारण से बहुत सारे और भी ऐसे कुछ रीजन्स थे जिसके कारण वो जो ऑडिटर था वो तैयार नहीं था इनके डाटा को साइन करने के लिए। और उसी बाद में जब डेलॉयट ने इसको लिया और साइन किया तो डेलॉयट ने भी जो साइन किया उसमें ये लिख दिया कि मैं इनके सिर्फ करंट जो बिजनेसेस हैं उसको सर्टिफाई कर रहा हूँ, उसके सब्सिडरीज को किसी और ऑडिटर ने सर्टिफाई किया है, मैंने उसको वॉच नहीं किया। ये दो रीजन से इस पर लोगों ने अच्छा खासा इसका फॉल देखने को मिला इसके इस शेयर पर। और अभी भी ये कंटिन्यू थोड़ा अपसाइड गया था फॉल होने के बाद, 1025 का कुछ बनाया था तो वहाँ से फॉल होकर 55 पे आया था, तो उसी का वापस रिवर्स किया तो उठा है। अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ इसमें तो इसका जो क्वार्टरली एवर प्रॉफिट देखेंगे तो आप देखेंगे 240-283 करोड़ दिखा रहा है। अब डेलॉयट ने क्या बोला था कि इनका स्टैंडर्ड और इनका जो खुद का बिजनेस है उसका अगर देखेंगे और वो देखिए तो आप देखिए ये 14-15 करोड़ का सिर्फ दिखाई दे रहा है आपको क्वार्टर का। तो इनका जो खुद का है जो 8K Miles सॉफ्टवेयर का है वो सिर्फ सेल्स इतना है, बट जब इसको हम कंसोलिडेटेड देखते हैं तो यहाँ पे 283 करोड़ दिखता है। तो कंसोलिडेटेड बिजनेस में अच्छा दिख रहा है, अगर कोई भी पेपर मनी मैनिपुलेशन नहीं है तो प्रॉफिट अच्छा है आपको, हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा दिखने को मिलेगा। लेकिन मैं इसमें बाय रिकमेंडेशन नहीं दे सकता क्योंकि ये ऐसे इसका ट्रेंड है, ये इसको हाई प्राइस कराता है और फिर गिरा देता है। ये कैसे आपको समझ में आ रहा है, तो ये मेरे को चार्ट पे एक बार पहले समझ में आ रहा है कि ये सेम काम यहाँ पे भी हुआ था इसका। ये आप देखेंगे यहाँ पे जब ये 1/6/2015 को 173-174 पे बन रहा था तो ये अच्छा खासा हाई किसको लेके गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे हाई किसने 956 तक का बना दिया था और वहाँ से फिर एक फॉल दिखा दिया था इसने 1/2/16 को, अच्छा खासा फॉल आया था इसमें। और फिर यहाँ पे वही सेम केस हुआ, फिर इसको हाइक करके ऊपर लेके गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 916 से कहाँ तक का लो बना दिया था, ये 364 का लो, 900 से 364 का लो बनाया था और वापस इस बार वही हुआ
कि इसने जब 1011 का हाई बनाया, 1029 का 1029 का हाई बनाया और वहाँ से फॉल करके लाके इसको जो लो बनाया 5540 का बनाया और फिर वहाँ से अप ले जा करके 183 और 205 का हाई बनाया और वापस अभी सर्किट में आप देखेंगे तो ये फॉल डाउन दिखा रहा है। आप देखेंगे तो वापस इसमें गिरावट का दौर चालू है। अगर इसको वेटेड एवरेज वॉल्यूम से देखें, वॉल्यूम वेटेड एवरेज से भी देखें तो ये निगेटिव सेंटीमेंट ही बता रहा है। अब ये कंटिन्यू गिरेगा, वॉल्यूम बहुत कम है, 7156 वॉल्यूम है। आप देखेंगे जहाँ इसमें 1,55,000 का हो रहा था वहाँ सिर्फ 7156 वॉल्यूम से गिराया जा रहा है इसको। तो ये थोड़ा नेट स्लो बता रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो 8K माइल्स सॉफ्टवेयर पर अगर अभी हम इसका दूसरा बात, इसका कैश फ्लो अच्छा नहीं है। अगर हम इसके कैश फ्लो को बात करें तो कैश फ्लो देखिए निगेटिव है। ऑपरेटिंग कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, फिर भी अगर कैश फ्लो निगेटिव बता रहा है तो कंपनी पर डाउट है कि ऐसा कैश फ्लो निगेटिव कैसे हो सकता है। तो कैश फ्लो अच्छा नहीं दिख रहा है और आप इसका देखें, इसका ट्रेंड भी ऐसा है कि ये अप डाउन कराते रहता है शेयर को। तो इसके लिए सेंटीमेंट में यहाँ पे आपको देखें 50% बाय 50% सेल बता रहा है, ओनली सेलर्स अवेलेबल है। अगर आप इसकी पी रेशियो देखिए तो 2.33 इंडस्ट्री का 23 है, कोई ख़राब नहीं है। डिलीवरी अभी 69-70% बता रहा है, अभी नहीं करना चाहिए डिलीवरी, फिर भी कर रहा है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे ना तो आप शेयर होल्डिंग पर देखिए कंटिन्यूस यहाँ पे अपने स्टेक को बेच रहे हैं। यहाँ से प्रोमोटर खुद ही अपने स्टेक को बेच रहे हैं, 48.94% है प्रोमोटर को खुद ही है। दूसरा इसमें इन्होंने प्लीज 14% इसमें गिरवी भी रखा हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे 13.14% जो है ना वेंकटाचार्य सुरेश जी ने अपने शेयर को गिरवी भी रखा है। तो फाइनेंशियल इशू भी है इनको, जो भी रीजन से इनके पास फाइनेंशियल इशू हो। तो ये सब देख करके लग रहा है कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग तो नहीं दिख रहा है कि बहुत बड़ा कोई पोजीशन आने वाला है, बहुत बड़ा कोई फंड आने वाला है, ऐसा कुछ देखने को तो मिलता नहीं है और ऐसा समझ में भी नहीं आ रहा है। और अगर सेल्स की बात करें, फाइनेंशियल की बात कर लें एक बार, तो आप देखेंगे यहाँ पे इनका स्टैंडर्ड लोन देखेंगे तो 14-16 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन ईबिटा गिरा है। और यहाँ पे टोटल देखेंगे तो दिसंबर के कंपेरिजन में ये नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, ये स्टैंडर्ड अलोन है। कंसोलिडेट देखेंगे तो इसका 223 से 282 हुआ है, आप प्रॉफिट भी इसका बढ़ ही रहा है, अदर इनकम भी बढ़ रहा है, ईबिटा भी इसका जो बढ़ रहा है थोड़ा बढ़ के ही है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल तो अच्छा दिखाता है, डेप्ट कम है इसका, बट जो रियल फैक्ट है कि ये सही फिगर है कि क्या है, अभी इसको डेलाइट खुद ही सर्टिफाई नहीं कर रहा है क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किया है, कंसल्टेड उन्होंने देखा नहीं है। तो इसके लिए कंसल्टेड का जो जुलाई में कंसर्न था वो अगर कंसर्न कंटिन्यू है तो यहाँ से आपको फॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये जिस बिजनेस से बिलोंग करते हैं, इस बिजनेस का क्लाउड कंप्यूटिंग का आगे जा करके बहुत ही ग्रोथ होने वाला है। तो ये जिस बिजनेस फॉर्म है बिजनेस का ग्रोथ बहुत अच्छा है, बट अगर इनकी फाइनेंशियल अगर गलत होगी तो आप अच्छे खासे प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं इसमें। और ये जो ट्रेंड बता रहा बार बार वो ट्रेंड अच्छा नहीं बता रहा है, तो इस कारण से भी इस पर अपना उतना बिलीव नहीं आ रहा है जितना कि अपने को करना चाहिए। अभी राइट नाउ क्या चल रहा है, अभी आगे तो जब उठेगा उठेगा, वापस तो 65 तो जाना ही है इसको। तो राइट नाउ जो अभी अपने को क्या करना चाहिए, तो अपने को अभी इसमें नहीं कुछ करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना बाइंग करनी चाहिए ना ट्रेडिंग करनी चाहिए, कुछ भी नहीं करनी चाहिए। एक सपोर्ट इसका जो अभी है, अभी इसको जो सपोर्ट मिलने वाला है शायद 155 पे एक बार सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं सपोर्ट लेता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर आपको पोजीशन बनानी हो किसी को भी तो 232 के बाद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप फिर बोलेंगे ये सर्किट में आता है तो खरीदेंगे कैसे और जाएगा कैसे। तो आप वेट कीजिए, इसको 156 अगर ये तोड़ता है, जो इसका 9 डेज का डेमा है, अगर ये तोड़ता है 155 तो हो सकता है फिर आपको ये अच्छा खासा 100 के बिलो भी दिखा दे, और 100 के बिलो जब दिखाएगा तो वहाँ पे आप इन कर सकते हैं, एक बार के लिए पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आप बेस्ट बाइंग तो इसका जो है 61 के आसपास है, 62 के आसपास। आप देखेंगे इसी पीरियड में लास्ट ईयर भी ये गिरा था और 62 के आसपास से यहाँ से लो बनाते हुए 117 का हाई बनाया था और वहाँ से ये अपसाइड गया था। तो
तो मैं कहूँगा वापस इसको 62 के आसपास अगर आए वॉच लिस्ट में रखिए। अगर किसी को ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के पॉइंट से करना है तो ये कोई अभी ये बहुत अच्छा नहीं होता जब तक ये इस फॉल को जो कंटिन्यू किया था 232 आसपास, तीन इनफैक्ट तो 307 बहुत अच्छा है कि 307 क्रॉस करने दीजिए, 310 यहाँ से क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद आप लें तो इसमें अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी। तो 350 के बाद इसमें अच्छी पोजीशन बनती है। फिर भी आप चाहें तो इसमें स्मॉल क्वांटिटी 62 से बनाना चालू कर सकते हैं, 62 के आसपास से। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस स्ट्रक्चर खराब है। अगर इसको मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी जैसे सत्यम के केस में हुआ था और कोई बड़ी कंपनी इसको एक्वायर कर लेगी तो इसकी बिजनेस बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है और फ्यूचर में ये बहुत ही स्कोप है इसका। तो ऐसी नहीं है कंपनी, अगर आपको 60 के आसपास मिलती है वापस तो आपको बाय करना चाहिए। 100 मैं तो इनफैक्ट कहता हूँ 100 के बिलो आपको पोजिशनिंग बाय चालू कर देनी चाहिए। आपको 1000 शेयर बाय करना है आप 10-10% स्टेक करके इसको बाय कर सकते हैं अगर आपको अच्छा रहेगा इसमें। तो आपको अगर समझिए कि आगे जा करके फ्यूचर में ये आपको अच्छा खासा वैल्यू दे सकती है, बट अभी अगर कहेंगे फॉल कर रहा है तो क्या करें, तो अभी नहीं करना चाहिए इसको। एक सपोर्ट है 155 का, अगर ये ब्रीच करेगा जो कि चांसेस है कि ब्रीच करेगा, तोड़ेगा ये 155 के सपोर्ट से, और अगर ऊपर लेता है तो ठीक है फिर 232 जो इसका है वो क्रॉस कर जाने दीजिए। 232 के बाद आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं आप इसमें। उसमें बहुत लोग बोलते हैं कि सर्किट पे तो बाय नहीं होता, ऐसे ये भी गलत है। आप डेली मॉर्निंग में अगर ओपनिंग में आप अगर आप बाय पोजीशन बनाते हैं तो फिफो बेस पे जिसका पहले होता है उसका बाय होता है, अगर आपकी पोजिशनिंग पहले बाय जाती है तो बाय होता है। तो ये भी गलत धारणा है आप लोगों को कि आप अगर सर्किट में है तो बाय नहीं मिलता है। जिसका पहला होता है फिफो बेस पे, अगर कोई बायर नहीं है तो सेलर नहीं हो सकता, अगर सेलर है तो बायर है, अगर दोनों चीज नहीं है तो बाय सेल हो नहीं सकता। तो ऐसा कंसेप्ट गलत है, लेकिन हाँ आपका नहीं लग के किसी और का लगता है ये अलग चीज़ है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो कोई तो बाय कर रहा होगा, और कोई बाय कर रहा है तभी बाय कर रहा है जब कोई सेल कर रहा होगा, तो बायर सेलर होते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, और ये चूंकि मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूँ मुझे मालूम है, मुझे सर्किट पे भी मिला हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि नहीं मिलता है, सर्किट पे जाने के बावजूद मिल सकता है आपको। शुरुआत में मॉर्निंग ओपन सेशन में पहले आपको ऑर्डर डालने पड़ेंगे तो आपको मिलता है। तो 61 मेरे लिए क्रूशियल लेवल है, 61 पे अगर चाहें तो आप बाय कर सकते हैं इसको, मेरे को अच्छा रहेगा। 61 से 117 आपको शॉर्ट टर्म के लिए, और हो सकता है कि आपको 60 अभी जो रेंज में ये चलेगा हो सकता है 232 के रेंज जो है इसको इनफैक्ट वो कटल नहीं करेगा, और ये आपको यहाँ से 62-206 ये रेंज में आपको हो सकता है ये ट्रेवल करेगा कुछ दिन तक। और जब तक कोई इसमें कोई बहुत बड़ी कोई अगर ऐसी कोई भी न्यूज आ जाती है इसमें कि टेक महिंद्रा या बड़े कोई इन्वेस्टर फंड, क्योंकि इसका कैश का इशू है, इसके पास कैश वीकनेस है, आपको कैश फ्लो दिखा दिया निगेटिव में, तो कैश की कमी है इसके पास, फाइनेंशियली बहुत अच्छा शो कर रहा है। फाइनेंशियली अगर आप इसका देखेंगे तो बहुत ही अच्छा शो कर रहा है, जहाँ 500 इंक्लूडिंग सब्सिडरीज का देखेंगे तो 974 करोड़ का सेल बता रहा है और 34 करोड़ का प्रॉफिट बता रहा है टिल डेट, अभी तक उसने सारे फाइनेंशियल को क्रॉस कर चुके हैं। तो फाइनेंशियली मेरे को कहीं इशू नहीं लग रहा है, एक ही चीज़ इशू रहा है कैश का जो लॉस दिखा रहा है वो गड़बड़ दिखता है। तो अगर कोई इनहेरेंट कोई रीजन होगा इसका, होना नहीं चाहिए, तो आप फंस सकते हैं। फिर भी इसमें 155 का मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है यहाँ पे, अगर 153.29 155 का 152 का सपोर्ट या 150 समझ लीजिए इसको, 150 का अगर सपोर्ट तोड़ता है तो हो सकता है कि ये नीचे वापस आपको दिखा दे और आपको वापस 60-64-65 में मिलेगा आपको ये शेयर, वहाँ आपको बाय करना चाहिए, और वहाँ से आपको 100 तक 60 से 100 के रेंज में आपको बाय करना चाहिए और वहाँ से इकट्ठा कीजिए। और ये आपको शॉर्ट टर्म में भी 206 का रेंज से दिखाएगा ही दिखाएगा, और बहुत अच्छा रहा तो आपको ये अच्छा समझिए ये 229, और अगर मैं आपको इसका ये दिखाऊं तो पहला इसको जो सबसे बड़ा हर्डल है 283 पे है, 283 अगर ये किसी भी तरह क्रॉस करता है तो आपको 426 देखने को मिलेगा। 283 का इसका सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है, 283 का रेसिस्टेंस ये क्रॉस करते ही आपको 426 पे ये दिखेगा। इसलिए आपको बोलता हूँ अगर ये वापस आपको मिलता है लोअर लेवल पे 150 का भी अच्छा खासा सपोर्ट है नीचे इसको, तो 150 का सपोर्ट इसको मेरे अंदाज से तोड़ना नहीं चाहिए अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर तोड़ता है
तो आपको फिर आपको नीचे 65 की ओर देखने को मिल सकता है। तो 65 पे आपको इसको रखना चाहिए, और जब भी इसमें कोई अच्छी न्यूज आएगी, ये कोई टेक ओवर करेगा या कुछ भी ऐसी न्यूज आएगी, तो ये आपको अच्छा खासा बोन देगा। अभी तो मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म में ये 283 क्रॉस करेगा किसी भी रीजन से, 284 इतना जल्दी ये क्रॉस नहीं करेगा। तो आप ये भी मान के चलिए कि 284 का टारगेट क्रॉस नहीं होने वाला है, और आपको 150 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। 150 ब्रीच होता है तो आपको पहले 100 दिखाएगा, 100 के आसपास फिर हो जाके रुकेगा, और वहां से नीचे 65 दिखाएगा। ये दो लेवल है और इस पे 5% का सर्किट लगता है, ये कोई फ्यूचर डेरिवेटिव का शेयर नहीं है। तो आप इसमें फिर भी, ये सारे एक्सप्लेनेशन पर्पस से वीडियो है, आपको कोई भी पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।